इकबाल अंसारी जी ईटीवी से खास बातचीत करने वाले हैं। इकबाल जी, आज का जो कार्यक्रम रहा, कल का जो कार्यक्रम रहा, आपने दोनों कार्यक्रम को देखे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अभी थोड़ा सा जो डर था एक मन में भीड़ का। ये कल का कार्यक्रम जो है उदय ठाकुर जी का रहा, वो बड़ा अच्छा रहा। पूजा पाठ करने आए, सारा परिवार आए। जब आदमी अयोध्या में आता है, पूजा पाठ करने आता है, तो कम से कम जो है भगवान की निगरानी में रहता है। जो कुछ भी उन्होंने कहा सब ठीक ही कहा है। और ऐसे ही अयोध्या में लोग आते रहेंगे। अगर धर्म के नियत से लोग आएंगे तो उनका जो भी उनके मन में जो भी उनका मन का सपना है वो पूरा होगा, ऐसी बात नहीं है। शिवसेना उदय ठाकुर जी पूरा जो है परिवार आया, बड़ा अच्छा लगा हमको, ऐसी बात नहीं है। कम से कम भगवान का दर्शन की, सरजी स्नान की, आरती की, इससे हमें जो है तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आवें, कम से कम भगवान के जो है बताए हुए रास्ते पर चलें और जो है धर्म का संदेश दें। हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग आते हैं, वो अपना धार्मिक प्रोग्राम कोई भी करें, हमें जो किसी को इतराज नहीं रहता, भले हम पक्षकार जो है, लेकिन जो धार्मिक प्रोग्राम का कभी हम लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, हम तो चाहते हैं। जैसे आज विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना कार्यक्रम किया और उसमें कई सारे नारेबाजी हुई, मंदिर हम तो बनाएंगे ही, बनाकर ही रहेंगे, अध्यादेश लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अंतिम निर्णय है, लेकिन अब वो अंतिम ही नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि आज का जो है धर्म संसद जो यहाँ बैठा हुआ था, जो उसमें धार्मिक लोग आए हैं, उन्होंने क्या कहा है, हम तो अपने घर पे रहे हैं, लेकिन उनकी जितनी बात वहाँ हुई है, भाई संत हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। संत जो है धर्म का प्रचार भी करते हैं, लोगों को सही रास्ता भी जो है दिखाते हैं। अब उन्होंने और क्या कहा है ये सरकार सुने, सरकार जाने। क्या उन्होंने मांग की है वो सरकार से मांग की है, सरकार उनको पूरा करे या कोर्ट के माध्यम से पूरा करे या खुद पूरा करे। उद्धव ठाकरे जी का कैसा कहना है कि जिस मामले पे सरकार इतने सालों से लटका के रखी है, वो सरकार का एक्चुअल में मामला आप तुरंत फाइनल, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, कल योगी जी ने एक मॉडल को फाइनल कर दिया है, ऐसा कहा गया कि श्री राम मंदिर का जो यहाँ पर एक मूर्ति लगनी है, उस मूर्ति के लगने के बाद से पर्यटन बढ़ेगा, एक बड़ी भव्य मूर्ति लगाई जा रही है और मंदिर निर्माण होगा तो और भी टूरिस्ट आएंगे, तो आपको लगता है कि टूरिस्ट आने से विकास? देखिए अयोध्या में हर आदमी के पास तो दुकान तो है नहीं, तो यहाँ माननीय योगी जी ने जो मूर्ति लगवाने की बात कही, इससे पहले भी हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सोच बड़ी अच्छी है। अयोध्या में जो है हजारों मंदिर हैं, एक मंदिर और भी बन रहा है, हमें उसे उतरा छोड़ी ना, अयोध्या जब मूर्ति लगेगी वो भी तो एक भगवान है, वो भी जो है राम की मूर्ति है, उसको भी भगवान लोग मानेंगे और उसकी पूजा अर्चना होगी। रहा झगड़ा इसका झगड़ा जो है जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट आज चाहे कल जा दे कल सुधार दे, इसको सुलझना है, आज नहीं कल सुलझेगा। ये टूरिज्म की जो बात बार बार सामने आ रही है कि टूरिज्म बढ़ेगा, देखिए अयोध्या है, यहाँ अभी कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, अयोध्या में मंदिर भी है, डेवलपमेंट है, मंदिर ये धार्मिक जगह है, हिंदू मुसलमान जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग, ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, लोग आते जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल जन्मभूमि बनने से जो है बनने के बाद ही आदमी आएगा, उससे पहले अयोध्या में नहीं है, करोड़ों लोग अयोध्या में मेला के समय में आते हैं, सबकी आज जो है जो भी धार्मिक आस्थाएँ हैं सब पूरी होती हैं, जो भी लोग मान के आते हैं पूरा होता है, ये तो अयोध्या धार्मिक स्थल है। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, या जो है तमाम तरह तरह की बात लोग करते रहते हैं, क्या सबकी बात जो है हम उनका जो है जवाब दें, क्या कोई किसी ने क्या। अयोध्या से ईटीवी के लिए दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट।